हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री मोदी से मिला, कहते हैं केजरीवाल। आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 3 सालों में उनके हर फैसले की केंद्र सरकार द्वारा जांच कराने के बावजूद गड़बड़ी का एक भी तथ्य नहीं मिलना आप सरकार की ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है, और उन्हें ईमानदारी का यह प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला है। सीएम केजरीवाल ने सोमवार को आपके 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 3 साल में हमारी सरकार ने जितने भी निर्णय लिए थे उनसे जुड़ी वे सभी 400 फाइलें मोदी जी ने हमारे खिलाफ कोई भी गड़बड़ी निकालने के लिए मंगा ली, जिन पर मैंने दस्तखत किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। मुझे ईमानदारी का सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला है। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की ईमानदारी का हवाला देते हुए कहा, आज दिल्ली की जनता कहती है कि हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप दिल से कह सकते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ईमानदार है? इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली सरकार के 3.5 साल के कामों को ऐतिहासिक करार देते हुए दावा किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी जी ने 12 साल में जितने काम किए थे उससे कहीं ज्यादा काम दिल्ली में आप सरकार ने 3.5 साल में कर दिए। सीएम ने कहा कि संविधान दिवस के दिन ही आपका गठन होना महज सहयोग मात्र नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, ये नियति का एक इशारा है कि आज देश में संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है उसे खतरे से देश को निजात दिलाने में कोई और पार्टी सक्षम नहीं है, सिर्फ आप ही इस खतरे से निजात दिला सकती है। केजरीवाल ने किया ऐलान, दिल्ली सरकार लागू करेगी पुरानी पेंशन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली सरकार पुरानी पेंशन को बहाल करेगी। वही वे दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस बारे में पत्र लिखेंगे। सोमवार को रामलीला मैदान में अखिल शिक्षक कर्मचारी कल्याण संघ यानी कि ATEW की ओर से आयोजित रैली में केजरीवाल ने ये घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के मौजूदा विशेष सत्र में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सरकार प्रस्ताव पेश करेगी, इसे पास करा केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। वे गैर भाजपा शासित राज्यों के अपने समकक्षों को भी इसे लागू करने के लिए पत्र लिखेंगे। पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के सीएम से निजी स्तर पर बात करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि 3 महीने के अंदर केंद्र ने पुरानी पेंशन लागू नहीं की तो वो इसके लिए मोर्चा खोलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को दुखी कर कोई सरकार खुश नहीं रह सकती। कर्मचारियों में देश की सरकार बदलने की ताकत है। केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि CBI व IB वालों को बता दें कि पुरानी पेंशन लागू न होने पर 2019 में कयामत आने वाली है। ये रामलीला मैदान जिसको शाप देता है वो खत्म हो जाता है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं तो सरकारी कर्मचारियों को दुखी नहीं कर सकते। रैली में आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि 40 दिन सांसद और विधायक रहे लोगों को ताउम्र पेंशन मिल सकती है, तो 40 साल तक सरकारी कर्मचारी रहे लोगों को पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? केंद्र सरकार को संजय सिंह ने चेतावनी दी कि रामलीला मैदान का शाप मत लेना, पेंशन वालों को जो हल्के मिलेगा उसे रामलीला मैदान में कही गई बातों का शाप लगेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन नीति का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कई नई नीति में कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है, इसे सिर्फ शेयर बाजार को फायदा देने के लिए बनाया गया है। कर्मचारियों की मांग है कि 2004 से पहले की पेंशन नीति लागू की जाए। अरविंद केजरीवाल का हमला, अगर PM दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि अगर वो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने ये टिप्पणी ऐसे समय की जब कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने दिल्ली सचिवालय के अंदर उन पर मिर्च पाउडर फेंका था। दिल्ली विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा 20 नवंबर के हमले के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में उनकी सरकार द्वारा किए गए अच्छे काम से वो परेशान है। अरविंद केजरीवाल ने सदन में कहा, अगर नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए।
विधानसभा की बैठक आप प्रमुख पर हमले और मतदाता सूची से नाम कथित रूप से हटाए जाने के मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई। कार्यालय के बाहर हुई इस घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री के फोन कॉल का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने दावा किया, मैंने कहा कि या तो आपका कोई महत्व नहीं है या आपकी मिलीभगत है। निर्वाचित सरकार के प्रति दिल्ली पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करने के एक सरकारी प्रस्ताव पर केजरीवाल ने कहा कि 95% पुलिसकर्मी अच्छे हैं, लेकिन भाजपा द्वारा उनसे गलत काम कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधीन आ जाती है तो ये जनता की भलाई के लिए काम करना शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के विधायकों को सरकार की मुआवजा योजना से दिल्ली पुलिस को बाहर रखने की मांग वाले उनके प्रस्ताव को वापस लेने की सलाह दी। इससे पहले आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता के हित में काम करने से रोकने के लिए भाजपा उनकी हत्या कराना चाहती है। सिसोदिया ने केजरीवाल पर मिर्च पाउडर फेंक कर किए गए हमले का हवाला देते हुए कहा कि हमलावर भाजपा का कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा केजरीवाल को काम करने से रोकने के सभी हथकंडे नाकाम रहने के बाद भाजपा मुख्यमंत्री की हत्या कराना चाहती है। अध्यादेश लाकर सीलिंग रुकवाए प्रधानमंत्री, नहीं तो करोड़ों लोग हो जाएंगे बेरोजगार, कहते हैं केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे एक अध्यादेश लाकर सीलिंग को रोके, अगर ऐसा नहीं हुआ तो इससे राजधानी के करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। केजरीवाल ने ये बात बुधवार को दिल्ली के मटियाला इलाके में सीलिंग पर हुई एक महापंचायत में कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सीलिंग के नाम पर हजारों दुकानें सील कर दी गई है, दुकानों के बाद फैक्ट्रियों को सील करने का काम शुरू कर दिया गया है और कुछ घरों को भी सील करने का नोटिस आ गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो एक दिन पूरी दिल्ली को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी तरह की बहानेबाजी न करे, क्योंकि सभी जानते हैं कि दिल्ली में केंद्र सरकार का कानून चलता है, इसलिए वह सीलिंग की जिम्मेदारी लेने से नहीं बच सकती। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कानून बनाने में समय लगेगा, परंतु केंद्र सरकार के एक अध्यादेश से सीलिंग रुक जाएगी। अध्यादेश के बाद सरकार आसानी से दिल्ली में बनी दुकानों फैक्ट्रियों को रेगुलराइज करने या इसका कोई और समाधान निकालने पर काम कर सकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो छोटे गरीब दुकानदारों को हटाकर वॉलमार्ट और अमेजोन जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाना चाहती है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक तरफ तो भाजपा सीलिंग करवाती है और दूसरी तरफ भाजपा के सांसद मनोज तिवारी एक घर की सीलिंग तोड़कर जनता से हमदर्दी का नाटक करते हैं। आपके स्थापना दिवस पर बोले अरविंद केजरीवाल, हमारे 3.5 साल मोदी के 12 साल पर भारी। पिछले 3.5 साल में हमने दिल्ली में जो काम करके दिखाए हैं, उसकी प्रशंसा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही है। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब सारे देश में घूम घूम कर गुजरात मॉडल का गुणगान कर रहे थे। मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूँ कि गुजरात के स्कूल देख ले और दिल्ली के स्कूल देख ले, गुजरात की बिजली व्यवस्था देख ले और दिल्ली की बिजली व्यवस्था देख ले, गुजरात की सड़कें देख ले और दिल्ली की सड़कें देख ले, गुजरात की सीवर व्यवस्था देख ले और दिल्ली की सीवर व्यवस्था देख ले और तय कर ले कि गुजरात डेवलपमेंट मॉडल बेहतर है या दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल बेहतर है। आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बातें कही। आम आदमी पार्टी की स्थापना के 6 साल पूरे होने पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 3.5 साल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम करके दिखाए उतना काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। दिल्ली की शिक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्था में आम आदमी पार्टी ने जो आमूलचूल परिवर्तन किए हैं उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विदेशों से आकर लोग दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देख रहे हैं और हमारे कामों की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में स्कूलों की दशा बदल कर रख दी है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों के अभिभावकों और अध्यापकों का सीधे संवाद करवाया गया ताकि अभिभावक अपने बच्चे की सही स्थिति जान सके और उस पर उचित सुधार कर सके।
दिल्ली सरकार के स्कूलों से शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को विदेशों में भेजा गया ताकि वो और बेहतर शिक्षा के तरीके सीख सके और अपने स्कूल के बच्चों को और भी बेहतर शिक्षा दे सके। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल सालों से अपनी मनमानी करते आ रहे थे। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 3.5 साल में एक बार भी प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जिन प्राइवेट स्कूलों ने सरकार के आदेश के खिलाफ फीस बढ़ाई, हमारी सरकार ने उन सभी स्कूलों से अभिभावकों को बड़ी फीस वापस दिलवाई। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।